टूटना होता था अभी तक 30 लाइटों में, कीबोर्ड भी टूट जाता। आइए सर, वेलकम वेलकम। नाम मेरा नाम हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अभी तक थे हम लास्ट व्लॉग में गोवा में, अभी भी मैं गोवा में हूँ, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नॉर्थ गोवा में पड़ता है, डेबोली मोला अपना नीचे आता है। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद, आज हमारा शो है जाकिर भैया के साथ, जीशान मलंग बैंड, जीशान भैया के साथ। मैं पहली बार ऐसे अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, नहीं तो हर बार तो ग्रुप में ही करते हैं। अभी मेरा 7 बजे का फ्लाइट है, मैं 4:30-5 शायद हो रहा है, अभी आ गया हूँ मैं एयरपोर्ट पे। फटाफट से एक बैग चेक इन कराते हैं, एक बैग ऊपर लेके जाएंगे कैबिन में, कीबोर्ड आई थिंक मेरे को लेके जाना पड़ेगा। तो यस, बाकी तो दिखाता हूँ कुछ मिलेगा तो। बाकी आज हमारा जैमिंग भी होगा शो से पहले, उसमें भी दिखाता हूँ कैसे जैम होता है, कैसे सब कुछ होता है। ये हमारा सुंदर सा एयरपोर्ट, बहुत सुंदर एयरपोर्ट बनाया उन्होंने, लेजिट बहुत सुंदर एयरपोर्ट है, मेरे को ये पसंद है। देन मेरे को बैंगलोर का भी नया वाला टर्मिनल बहुत पसंद है। बाकी टर्मिनल टू मुंबई का तो पहले भी हमेशा मेरे लिए टॉप पे रहेगा। ये देखो गाइस, ब्यूटी देखो इस एयरपोर्ट की, वहाँ पे पीछे फ्लैग है और यहाँ से डिपार्चर गेट है, मतलब प्रिटी बनाया है ये बिल्कुल। कार्निवल कुछ तो फेस्ट होगा यहाँ, कुछ डेकोरेशन का कर रहे हैं। प्रस्थान करेंगे हम यहाँ से अहमदाबाद के लिए, देन अहमदाबाद से मुंबई जाएंगे, मुंबई में भी शो है हमारा। बीच में पाइप थोड़ा कैजुअल हो गया बट ठीक है, कोई नहीं। तो ये अपना डिपार्चर गेट, आगे अराइवल है वहाँ पे, आगमन, वहाँ से निकलते हैं, यहाँ से जाते हैं। भाई अपना इंडिगो का फ्लाइट है तो अपन एक बैग करा देते हैं, एक बैग ऊपर ले जाएंगे। इतना सुंदर सा ये बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा ना। तो उन्होंने मेरे को इमरजेंसी विंडो दे दी है कि ले लो जो है, अभी मैं बैग को ओजी करवाने जा रहा हूँ। मैं इसमें लैपटॉप डाल सकता हूँ, मैं डालना चाहूँगी अभी। हाँ प्लीज। उसमें लैपटॉप डाल दिया है ताकि हाथ में कौन पकड़ेगा, और वो वैसे डायरेक्ट एयरक्राफ्ट में जाता है तो टूटने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि टूटना होता तो अभी तक 30 फ्लाइटों में कीबोर्ड भी टूट जाता, तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। और उन्होंने मेरे को दे दी इमरजेंसी विंडो, जितने भी लोग उस फ्लाइट में हैं तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में अगर कुछ हो जाता है तो। भाई ये पूरा एयरपोर्ट बहुत सुंदर है, बट ये क्या कर रहा है यहाँ पे बीच में, ये न्यूट्रेला सुपर फूड, बाल काले करने के सब बनाता है बट खुद के तो सफ़ेद हो रहे हैं। आ गया मैं सेकंड फ्लोर पर, यहाँ से हम कराएंगे अपना सिक्योरिटी चेक फटाफट से, देन हम फ्री हैं, हम फिर ब्लॉग एडिट करेंगे। भाई ये राज निवास का ऐड है, सोच करे राज, सब ठीक है बट ये इलेक्ट्रिक गिटार पे क्या कर रहा है, नहीं क्या कर रहा है बंदा इलेक्ट्रिक गिटार पे, मतलब कुछ भी। पागल लग रहा है वो इलेक्ट्रिक गिटार पे बिल्कुल। यार मेरे को है ना इन गाड़ी में बैठने का है, मैं आज तक कभी बैठा नहीं हूँ, अगर तुम में से किसी को पता है मतलब कैसे करते हैं, मेरे को पता नहीं है, मैं कभी भी नहीं बैठा हूँ क्योंकि, तो मेरे को बताना कमेंट करके कि इसमें कैसे बैठते हैं, ये गेट तक छोड़ के आती है, मैंने देखा है लोगों को। भाई तुम्हें पता अभी क्या हुआ, सिक्योरिटी चेक पे उन्होंने मेरे को पूरा स्कैन करा, देन जाते जाते बोले तू कहाँ का किंग है, मैंने किंग का पहन रखा, तू कहाँ का किंग है, मैंने कहा सर मैं मैंने मेरा एड्रेस का वो बोला कि मैं सर मुंबई का किंग हूँ। यू आर डूइंग ग्रेट वर्क बट व्हाई यू आर डूइंग ओनली फॉर गर्ल्स, व्हाई नॉट बॉयज, you wrote there कि support a girl child, why support a girl child, why not a boy child? Actually, sir, support a girl child because of no no, it's 2024 first of all, है ना, दोनों का इक्वलिटी है, गर्ल्स मांगती हैं जेंडर इक्वलिटी, पे गैप नहीं होना चाहिए, देन वाई सपोर्ट अ गर्ल चाइल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी एक लड़की ने मेरे को पकड़ लिया, वो कुछ तो गर्ल चाइल्ड की आई साइट के बारे में बात कर रही थी कि हम डोनेट कर दो आई साइट का ऑपरेशन कराते हैं। मैंने कहा इट्स गुड आप अच्छा काम कर रहे हैं बट आई साइड का ऑपरेशन करा रहे हैं तो आप वाई यू आर जस्ट, उन्होंने उधर लिख रखा है सेव गर्ल साइड, मैंने कहा वाई ओनली गर्ल साइड, आदमी कहाँ जाएगा, लड़का कहाँ जाएगा, मैं लड़ गया उससे, उसके पास कोई जवाब ही नहीं देने को। एनीवे गुड मॉर्निंग,
पे लैंड करें तो अपने साथ में होटल जाएंगे। मेरा एक बैग आ गया, कीबोर्ड नहीं आया अभी तक, तो मैं स्टाफ से पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ पे आएगा। स्टाफ नहीं दिख रहा जो मेरे को, स्टाफ मैं दे रहा हूँ। अरे चलो होटल मिलते हैं, बाय। कराते हैं फटाफट से, देन विल गो। ये भी डालना, तो अभी रूम की हाउस कीपिंग चल रही है, थोड़ा क्लीन विन हो रहा है, तो हम शायद खाना वाना खा लेंगे। थोड़ा भूख भूख लग रही है, भैया बात कर रहे हैं, देखते हैं। कई टमाटर पे येलो लाइट डाल के तुमने क्या कुछ डिश बना दी क्या? मतलब ने लिया है पोहा, कचौरी, सॉसेज, इन्होंने लिया है स्पेगेटी, वाइट सॉस पास्ता। मैं चाय लेके आता हूँ भाई, चाय के बिना जीवन कैसे हो सकता है? मतलब चाय तो ज़रूरी है ना अंकल, चाय है? शुगर वाली सर, बिना शुगर? शुगर वाली, यस। बिना शक्कर की चाय चाय थोड़ी होती है। हाँ और क्या है, तो अंग्रेजों की बात है। बिना शुगर तो अंग्रेज पीते ही। वी विल गो, ये परफेक्ट मील हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया था भाई। इतना मस्त नाश्ता करें ना हम लोग, इतना पेट भर के। अब ऐसी नींद आएगी ना, रूम अलॉट नहीं हुआ हमें, बट हमने नाश्ता कर लिया हमें भूख में। फाइनली बड़ी मेहनतों के बाद यहाँ पे चाबी लगेगी यहाँ पे। भाई चलो कोई नहीं, सो जाना आप जाते हैं। इंडिया टूर में बेगूसराय टूर करते हैं। तो भाई रूम अलॉट हो गया है, 11:30 हो गए हैं, बट तो मैं थोड़ी देर फटाफट सो जाता हूँ क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, एयरपोर्ट पे बैठे थे एडिट कर रहा था मैं, फटाफट सो लेता हूँ फिर साउंड चेक पे चलेंगे। आखिर भाई भी आने वाले हैं अभी, शायद उन्होंने अभी चेक इन नहीं करा है, तो अगर वो मेरे को भी मिलते हैं तो मैं आपसे मिलवाता हूँ उनको। चलो बाय बाय, सो जाता हूँ मैं थोड़ी देर, लेट्स गो। चलो साउंड चेक का टाइम हो गया, इतनी देर से उठा रहा था मैं आपको, क्या आप मस्त हाथी घोड़े सब बेच के सो रहे थे आप? वहाँ पर साउंड चेक चालू हो गया, नील भैया की आवाज़ लग रही है। आज ओपन में वापस से स्टेज आप देख ही पा रहे हो अभी। हाय, फ्लक्चुएशन ठीक है? हाउ आर यू? आई एम गुड। हेलो सर, आइए सर, वेलकम वेलकम वेलकम, आइए सर, प्लीज सर वेलकम, कुछ हेल्प चाहिए आपको? नहीं नहीं, ला दे दीजिए। नहीं नहीं, जा रहा हूँ बस। यहाँ पे पूरा साउंड का लगा हुआ है, वहाँ पे क्या ग्रैंड स्टेज है। गुड गुड, आ गई थी गाड़ी फिर। हाय, अरे यहाँ पे है सर्विस गेट। अच्छा अच्छा, हम मेन गेट से आ गए। नो प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ से एंट्री। यहाँ से एंट्री। मेरे बिना अधूरा है भाई, मेरे बिना अधूरा है, मान लो ना। बादा नींद में सोते आते हैं। आंसर किया था सर? अब वीडियो चालू हो गया तो अभी गाली दे रहे थे, नहीं तो इस वजह से आप बचे हो बस। ये हमेशा चालू रखूंगा, जैसे ये बंद हुआ फिर मैं आपको बताऊं। आप सभी का इस एपिसोड में स्वागत है। मैं इस लड़के की तेजी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, जिस तरीके से ये अपने वीलॉग एडिट करता है, कि सुबह का वीलॉग शूट करो और रात को डाल देता है। अपलोड अभी अपलोड अभी अब एडिट करके आता हूँ मैं अपने एयरपोर्ट पे, अभी अपलोड मारूंगा। मुझे भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर बनना है, मेरे को रख लो। हाँ सर, मेरे को घर में कोना दे दो। मैं नंकू भाई के साथ सो जाऊंगा।
वेलकम टू व्लॉग। कैसे हो? रुक जा। भाई साउंड चेक हो गया, डन। निशान भाई गए पीछे, आप पैक करो फटाफट। मैं इसको केस में डाल देता हूँ बस, और हम भी चलते हैं अब ग्रीन रूम में। पीछे पब्लिक आने वाली थोड़ी देर में। आ जाओ आ जाओ भाई। ये धुएं वाली जो मशीन होती है ना, सबसे गंदी मशीन होती है भाई। इतनी धूप है ना, इतनी धूप है। कल वहाँ गोवा में भी इतनी धूप थी, यहाँ भी इतनी धूप है। ठंड कहाँ पड़ रही है भाई? फरवरी में ठंड नहीं पड़ती है कहीं पर भी। मुंबई में तो चलो नहीं पड़ती, और कहीं भी नहीं पड़ती क्या भाई? ये कहाँ ग्रीन रूम बनाया इन्होंने? ये कहाँ चल के जा रहा हूँ? धागा ना लग ली गड़ा। पार्टी टीम की जरूरत पड़े कहीं? नहीं नहीं। हाँ तो ये बम्बई वाले आपको हम बाथरूम दिखाने आए हैं, और हम रियल स्टेट पर डील नहीं करते। ठीक है, आइए आइए। 1 BHK बाथरूम। 1 BHK बाथरूम। लेट लेट के ना मैं। वो आदमी पहले सोचेगा बेड का लगा हुआ यार। दिखा दूंगा। मेरी बात सुनो, इनको फोन करके उठा देना, ये सो जाएंगे अभी, मेरे को पता है। ठीक है, हम अलार्म लगा के। अलार्म आपको भोपू बज जाए बाजू में, तभी नहीं उठ रहे आप, अलार्म से उठोगे आप। मैं उसी दिन इनके रूम में इनको फोन लगा रहा, 20 फोन लगा दिए, इनके छाती में फोन पड़ा, ये उठा नहीं रहे। ये आपके कमरे से फोन लगा रहा था मैं इनको। भाई आ गए हम तो रूम में। भाई ये क्या ही क्या कर रहा है भाई? ये लटका हुआ है, ये देखो वो ऊपर भी लटके हुए दो भैंस की आंख। व्हाट्स अप गाइस, तो नींद हो गई है पूरी। अभी मैं बैठा हूँ 8th फ्लोर पे निशान भैया के रूम के बाहर, क्योंकि वो शावर दे रहे हैं शायद, तो मेरे को उनसे लिवॉन वाला सीरम चाहिए। ऑल सेट? यस, लेट्स डू इट। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। शो किल कर चुके हैं हम। ऑफिशियल की वोल्टेज नहीं होगा तो फिर शो किल नहीं हो सकता है, देखो है ना, उसके बिना हो ही नहीं सकता है। तो ढूंढ रहा हूं ऑफिशियल। मैं हूं गुड वन। गुड वन, गुड वन। क्या चाहिए आपको? ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं बोलना था, यही तो बोलना होता है। क्या हो गया जरा? मलंग के ऑफिशियल कीबोर्ड से बात कर रहे हैं आप? कहाँ है? ये रहा। हम भी ढूंढ रहे हैं, मिले तो। थैंक यू भाई। मेरे ब्लॉग में हो आप? अच्छा, अरे कुछ कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत नर्वस हो गई। भाई मलंग द बैंड को फॉलो करना मुश्किल है, बाकी वो ऑफिशियल कीबोर्ड का नाम तो ले लो। हाँ वो ऑफिशियल कीबोर्ड, ये लड़का ऑफिशियल कीबोर्ड है। नाम? मेरा नाम कुछ नहीं। नाम नाम यार, नाम करने तो भाई। अरे नाम क्या है भाई? क्या बादशाह? बादशाह मेरा नाम। अच्छा बोला। भाई हम तो जा रहे हैं ग्रीन रूम में, भैया वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे भी आंसू निकल रहे हैं, और ये पूरी ऑडियंस बैठी है यहाँ पे। पिछले 10 सालों में आपके बेटे के साथ क्या क्या हुआ है?
भाई का शो खत्म हो गया है। अभी हम प्लेस पे जाएंगे। क्या? हाँ जी भैया। ऐसे कैसे बैठे हैं आप? आपके राह में बैठे हैं हम। हमारी राह में कैसे बैठे हैं? शो हो चुका है खत्म। शो हो चुका है पूरा खत्म। लोग जा चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए वहाँ पे, और वहाँ पे उनका मन है फोटो आ जाए एक बार, देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं टाइम पास करने। शायद मैं शो को यहीं पे ख़त्म कर दूँ। अगर आपके होटल में कुछ हुआ तो मैं इसके बाद में डाल दूँगा। बाकी अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट शेयर सेव कर दीजिए, और नेक्स्ट ब्लॉग में चंडीगढ़ का बनाऊँगा। तो वहाँ मिलते हैं। क्या कर रहे हो भाई? है भाई, मैं कौन हुआ? पटेली का।